सिर्फ मैं और रन जा रहे हैं भोपाल, भोपाल भी जाएंगे, उसके आगे भी थोड़ा जाएंगे, वो सब आपको व्लॉग देख के आगे पता लग जाएगा कि क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है। गाइस इट्स 7:50 राइट नाउ, 8:40 या 8:30 के अराउंड हमारी ट्रेन है एंड रन अभी 10 मिनट पहले तो आया है, अब वो पैक कर रहा है। सो गाइस टाइम हो रहा है 8:10, हमारी ट्रेन है 8:40 और यहाँ से भी आधे घंटे से ज्यादा रास्ता है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing great. So guys, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बोला था कि वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, मतलब कि आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप। मैं और रन जा रहे हैं भोपाल, भोपाल भी जाएंगे, उसके आगे भी थोड़ा जाएंगे, वो सब आपको व्लॉग देख के आगे पता लग जाएगा कि क्या प्लान है क्या प्लान नहीं है। बट अभी टाइम हो रहा है 6, हमारी रात की 8 बजे की ट्रेन है एंड रन तो ऑफिस गया हुआ है आज भी। ये मैं बैग निकाल के बैठा हूँ, सामान यहाँ निकाल के बैठा हूँ, ये भाई साहब थोड़े ना वो हो गए हैं कि भाई सामान क्यों निकला है, ये क्या हो रहा है। देखिए ये देखो बेटा, मेरे कपड़े हैं वो, ओ मेरे कपड़े हैं वो, ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। सो गाइज मैंने सोचा चलो आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी थ्रू माई पैकिंग एंड ऑल्सो आई विल लेट यू गाइज नो हाउ आई पैक एंड मैं क्या क्या रखता हूँ, मेरे क्या एसेंशियल्स होते हैं एंड क्या आप क्या क्या एसेंशियल्स रख सकते हो वेन एवर यू ट्रैवल नेक्स्ट टाइम। सो सबसे पहले तो बंद करे तो आप इसको रख सकते हैं, आ जाओ बैठ जाओ अंदर। देखो पैक करके लेके चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैशो इधर आ जाओ, पॉसिबल होता तो मैं तो ले जाता। चल रहे डाल दो इसमें, मैं बड़ी वाली में रख लूंगा सामान, तुम्हें इसमें आ जाओगे। बताओ बाय द वे गाइस, ये सीरीज बहुत फन होने वाली है, सो जरूर देखना एंड तक। मतलब सीरीज होने वाली है भोपाल के, बहुत कुछ करने वाले हम, स्पोर्ट्स हम, वाटर स्पोर्ट्स हम, लेक वेक हम, सब कुछ करने वाले हम, बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं, हिडन प्लेसेस, फूड मार्केट, बहुत कुछ करने वाले हैं। अलवर सीरीज नहीं देखी ना, वो देख लेना, समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलो अब पैकिंग चालू करते हैं, बातें कम क्योंकि मुझे बहुत काम करने हैं। यार क्या क्या रखूं समझ ही नहीं आ रहा। तो गाइस इस बारी ना मैं थोड़ा डिफरेंट पैक कर रहा हूँ, मुझे ना बताना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ऐसे पैक, मतलब क्योंकि देखो मेरे तो अभी लिमिटेड कपड़े हैं, सो मैं सोच रहा हूँ ऐसे पैक करूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब वेन एवर आई ट्रैवल ना, सो जब हम वी रीच द डेस्टिनेशन तो वहाँ पे क्या होता है कपड़े ढूंढने बहुत मुश्किल होता है, एक के नीचे एक ऊपर रहा है, तो मैं थोड़ा ऐसे पैक कर रहा हूँ कि वहाँ पे सूटकेस खोलूं एंड मुझे सब समझ आ जाए कि यही ऐसे ऐसे है एंड आई कैन चूज फ्रॉम दी ऑप्शन। ये देखो मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसे ऑप्शंस रखूंगा एंड उसके अलावा मैं यहाँ पे ये रखता हूँ, सो ज़्यादा इजी होगा वहाँ जाके देखने में कि यार ये निकला है तो ये पहनना है और ये पहन सकते हैं, क्योंकि तो ऑप्शंस काफ़ी हैं, आई मोर देन इनफ हो पाई गेस। बाकी भी और कपड़े रखने हैं तो वो अब आ जाएंगे यहाँ पे, सो मेनली जो आपके डेली मतलब जो मेन कपड़े हैं पहनने वाले वो यहाँ होंगे। आई थिंक आई शुड नॉट कीप दिस शर्ट, नो दिस इज़ नॉट वेरी वो वाली फील वाली ना। ये आपके साथ भी होता है पैकिंग के टाइम ऐसे लगता है आप अलमारी का दरवाजा खोल रहे हो उसमें से आवाज़ आ रही है आई वॉन्ट मोर मोर, मतलब और कपड़े चाहिए, क्लीन था क्या। सो आई हैव चेंज्ड द क्लोथ्स, ये सब हो गया सच, चलो इसको हम करते हैं पैक। ये मेरी पूरी पैकिंग करवा रहा है, गुड बॉय। पीछे लिए अटैचमेंट इग्नोर कर देना, मैंने बड़े लिए रख दी, छोटे लिए सब सामान आ जाएगा, तो बड़े लिए काय को लेके जानी भाई। सो गाइस अब मैं अपने एसेंशियल्स की बात करूँ ना, रुको पहले लेट मी ब्रिंग यू गाइस मोर क्लोजर टू मी। सो ये मेरा एक बैग है जो अभी थोड़ा ख़राब हो गया है, बट एनी वे वी हैव टू कैरी दिस ओनली, कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये रहा, हम इसमें क्या क्या रखते हैं अपना, मैं अपना सारा बेसिक सामान रखता हूँ इसमें। यार परफ्यूम मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, आपको पता होगा कि मेरे ये सिग्नेचर ब्रांड का कोलैब था, उससे मुझे ये परफ्यूम्स आए थे, दो तो मैंने यूज़ कर लिए, कर रहा हूँ एक ख़त्म हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कौन सा लेके जाऊँ, बहुत कैरी फ्रेगनेंस है यही लेकर जाएंगे। और ये देखो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, सो यू कैन यूज़
दीज परफ्यूम्स, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत बजट में भी। उसके अलावा हम घूमने जा रहे हैं सो ऑब्वियसली आई नीड सनस्क्रीन, मतलब मैं पहले नहीं कैरी करता था बट अब मुझे थोड़ा ज्ञान मिल गया है एंड आई प्रेफर कि ले जाऊँ अगर ना भूलूँ तो। उसके बाद गाइस सनग्लासेस भी जरूर अपनी लिस्ट में रखा करो क्योंकि अब ट्रैवल करने जा रहे हो, वहाँ धूप होगी, चश्मा चाहिए तो थोड़ी अच्छी आती है। सो होपफुली मेरी पैकिंग होगी, मुझे पता याद आ रहा है नहीं आ रहा, यार आ रहा है नहीं आ रहा, यही हो रहा है। अगर आपको भी ऐसा होता है ना तो मुझे जरूर बताना। और मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ तो बोल रहा हूँ बट क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, लेट मी रिमेम्बर। गाइस इट्स 7:50 राइट नाउ, 8:40 या 8:30 के अराउंड हमारी ट्रेन है एंड रन अभी 10 मिनट पहले तो आया है। अब वो पैक कर रहा है, मुझे लगा कि वो कल सब पैक कर चुका होगा, वो भाई सब बैकअप कर रहे हैं। देखो दुनिया में ना दो तरीके के इंसान है, जो लाइक ट्रेन से 15-20 मिनट पहले पहुंच जाता है वो मैं हूँ, और वो है जो ट्रेन के आके बस निकलने से 2 मिनट पहले पहुंचने वाला, विच इज वेरी इरिटेटिंग फॉर मी। मुझे होता है कि आराम से रिलैक्स होकर जाओ, आराम से ट्रेन पे चढ़ो, वीडियोस बनाओ, इंजॉय करो। इसके अलावा मुझे शॉर्ट बनानी थी जो अब नहीं बन पाई क्योंकि अब आया है सामान लेके। देख इस लड़के ने लेट करा है। सो गाइस टाइम हो रहा है 8:10, हमारी ट्रेन है 8:40 और यहाँ से भी आधे घंटे से ज़्यादा रास्ता है। मैं पहली बार ट्रेन छुट गई है, ट्रेन ही निकल गई एंड मेरी लाइफ में कभी ऐसे नहीं हुआ था, लाइफ में पहली बार हुआ है कि मेरी ट्रेन छुट्टी है। सो गाइस हमें ना जाते हुए हमने एसी ली थी, आते हुए मैंने स्लीपर ली थी क्योंकि मिली नहीं थी ट्रेन की टिकट, बट उससे एसी मिली थी क्योंकि और कोई स्लीपर मिली नहीं थी, कुछ नहीं मिल रहा था। वो भी ट्रेन हमारी मिस हो गई, अभी गया है देखने कि कोई जुगाड़ हो जाए किसी और ट्रेन में, एक और ट्रेन है यहाँ से अगर उसमें मिल जाती है तो उसमें जाएंगे, विच आई डोंट अग्री बट जाना पड़ेगा। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ वापस घर जैसे कि आप देख सकते हो एंड ट्रेन छुट गई है। पता नहीं रन ने जाके, जब मैंने आपको लास्ट बताया ना कि रन गया है तो उसने कोई सुबह की टिकट करवाई है, मुझे नहीं पता, मेरे तो जेन्युइन जाने का मन ही नहीं कर रहा, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। बट मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ इसमें कि मैं ना यूजली ब्लॉगर्स को देखता था कि वो कोई भी सिचुएशन होती है ना उसमें ब्लॉग कैसे कर लेते हैं। आई यूज टू थिंक, मतलब एज अ व्यूअर आपके दिमाग में भी होता होगा कि यार ये ऐसा हो रहा है और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट आज मेरे साथ हुआ लाइक आफ्टर जेन्युइनली फर्स्ट टाइम कि कुछ हुआ है ना, आई एम ब्लॉगिंग उसके जस्ट एक सेकेंड बाद एंड मेरे दिमाग सबसे पहले आया कि लेट मी शेयर विद यू गाइस, लाइक जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे अंदर से फील हुआ है कि हाँ मुझे ब्लॉगिंग की आई कैन समवेयर कॉल माई सेल्फ अ ब्लॉगर क्योंकि मुझे जेन्युइन वो फील आई है। मतलब लिटरली मैं वहाँ पहुँचा हूँ प्लेटफॉर्म पर, मैंने ट्रेन का पूछा है, पता करो कह रहे ट्रेन अभी निकली है 5 मिनट पहले, जैसे ही वो बोला उसने मैंने आपको ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और आपको बताया कि ट्रेन छूट गई है। अब मैं आपको कहानी बता दूँ, हमने यहाँ से ऑटो लिया, ऑटो में आके जाके जाम मिला, आई डोंट नो वाई वो ट्रैफिक वहाँ होता, मूविंग ट्रैफिक होता है, जाम था, विच टुक लाइक 15-20 मिनट्स ऑफ आर टाइम। फिर हम वहाँ से आगे गए, हमने वो जाम में ऑटो ही छोड़ दिया, उसको जितने उसने पैसे बोले हमने उसको दे दिए, हम वहाँ से आगे चले गए। हम भाग के गए सर पे सामान उठा के, लिटरी ऐसे हाथ के ऊपर मैंने बैग उठा के भागा हूँ, उसके मैंने उस जाम क्रॉस करा है, मैंने वहाँ से ऑटो लिया है। उस ऑटो वाले को बोला भैया हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है भगाओ, उसने बोला भैया ठीक है। वहाँ गया गैस पेट्रोल पंप पे जाके खड़ी कर दी उसने कि भैया गैस चलवा दी। लिटरली मैं बता नहीं सकता मुझे क्या फील हुआ है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, तेरे ऑटो में गैस नहीं थी तो तू पिटाए क्यों। फिर वहाँ से उतरे दोबारा, हमने दूसरा ऑटो ढूंढा जो मिला, फिर उसको बोला वो पेटीएम का काम, उसी बंदा आ गया पेटीएम का, उसमें 10 मिनट तो नहीं 5 मिनट उसने वेस्ट कर दिया। हम फिर जब स्टेशन पहुँचे हैं हमारी ट्रेन ही 5 मिनट से निकली। आई एम जस्ट शेयरिंग एवरीथिंग विद यू गाइस, पता नहीं आई जनरली फील गुड टॉकिंग टू यू लाइक टॉकिंग इन कैमरा, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, अब बात करके मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। चलो मैं आपको मिलता हूँ खाना पीना करके, सुबह ही मिलूंगा अब तो मैं आपको, अगर मैं कल गया तो मेरा मूड जनरली नहीं कर रहा, शायद मैं टिकट भी कैंसिल करवा दूँ, इसने कौन सी करी है मुझे नहीं पता बट मन नहीं है। Let's see.